स्नेह तोड़ गया। कुछ तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? गाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What is wrong with you, Mona? आज ही तो हमारी बात हुई है। हाँ, आज ही बात हुई थी। बस किसी भूखे कुत्ते की तरह मेरे मुंह में अपने चंद मिनटों की हंडी डाल दिया करो तुम। इस अंदाज में ना मेरे से कोई बात करता है और ना मैं किसी को इसकी इजाजत देता हूँ। अब हम तब बात करेंगे जब तुम होश में होगी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उन्हें तो भी बहुत छोटा है। तुम अभी से खुद को उससे अलग कर लो। आंटी, वो मुझे तलाक दे रहे। तलाक दे रहे? क्यों? वो दूसरी शादी कर रहे। दूसरी शादी? किससे? मैंने नहीं पूछा, लेकिन कोई अंधा गूंगा बहरा भी बता सकता है कि वो कौन हो सकती है। मोना अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, वो शादी कैसे कर सकती है? आंटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मोमिना ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। पता नहीं मुझे पैदा क्यों किया गया। क्या मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना नसीब आसमान पर भूल कर खाली हाथ जमीन पर आ जाते हैं? सब कुछ मेरे इर्द गिर्द था पर मेरा नहीं था। शायद मेरे लिए तड़प तड़प के मर गया, लेकिन मेरी किस्मत ने उसे मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। कर भी मुझे सबर नहीं आया। पत्नी ने दिल बहलाने के लिए उन्हें जैसा खिलौना दे दिया। शोहर के नाम की एक छत जिसके साये में कुछ देर अभी सुस्ताया भी नहीं था कि वापसी का हुक्म आ गया। खाली हाथ, पहले मोहब्बत, फिर जैद, और अब अपनी औलाद को रोती रहूंगी। नहीं, ऐसे कैसे मैं जिंदा रहूंगी अपने बेटे के बगैर? कैसे? भाई आपको खाने के लिए बुला रहे। जाओ यहां से और उनसे जाके कह दो कि मैं लोगों के खाने की भूखी नहीं हूं। कोई जानवर नहीं हूं जिसे चारा देकर ये लोग जिंदा रखते हैं। जाओ। तो मेरा सब कुछ छीन कर मुझे तीन वक्त की रोटी तक महदूद कर दिया। दर्दी से तो किसी मुलाजिम को भी नौकरी से नहीं निकाला जाता, जिस तरह आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे। दुनिया की किसी भी अदालत में मुलजिम को बगैर सुनवाई के मुजरिम करार नहीं दिया जाता। आपने तो मुझे सीधा सीधा सजा ही सुना दी है। मुझे आपकी जिंदगी में जबरदस्ती लाया गया था, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मुझे आपका प्यार नहीं मिला, मैंने उस पर भी कोई गिला नहीं किया, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये तलाक की वजह क्या है, कसूर क्या है मेरा। इस तरह तो किसी जानवर से भी उसका बच्चा नहीं छीना जाता जिस तरह आप मुझसे मेरा बेटा छीन रहे हैं। क्यों, क्या किया है मैंने? आपसे आपकी मोहब्बत मैंने नहीं छीनी थी, तो मैं हर जाने के तौर पर तलाक का दाग क्यों बर्दाश्त करूं? आप अपनी मां के लिए मजबूर हुए थे तो तवान मैं क्यों भरूं उसका? अच्छा, चलो मत। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे कभी कोई तवक्को मत रखना। तुम्हारे तमाम हकूक मैंने दिए हैं, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि एक दिन आप मुझे तीन लफ्जों का तोहफा थमा देंगे,
कभी भी उस रात कॉम्प्रोमाइज नहीं करती आपके साथ। मैंने ये घर बसाने के लिए आपके हंस के बात करने तक को एहसान समझा। कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? कहाँ जाऊंगी अपने बेटे के बगैर? और आपको पता है वो बहुत छोटा है, नहीं रह सकता मेरे बगैर। खुद बताइए, याद नहीं करेगा वो मुझे? रह सकेगा मेरे बगैर? अगर आप भेजना ही चाहते हैं तो फिर हम दोनों को एक साथ भेजिए, एक साथ इस घर से निकाले। ऐसा ही करता, बिल्कुल ऐसा ही करता, अगर मुझे ये यकीन होता कि वो वहां पे अपने बाप जैसी एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। मैं उसको जिंदगी की तमाम आसाइशों से महरूम नहीं कर सकता। मुझसे मुंसलिक जितने रिश्ते हैं, मैं उनसे कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। आपसे मुंसलिक रिश्ते तो मैं कौन हूं फिर? आप ही की बीवी हूं मैं दाऊद, इसीलिए मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। मेरे नाम के साथ तुम दर दर की ठोकरें खाओ, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए अपना नाम तुमसे अलग कर रहा हूं। ये तो बहुत बेमानी हुई मेरे साथ। आपका सब कुछ मुतबर, आपका बेटा, आपकी जिंदगी, आपकी मोहब्बत, इस दुनिया में सबसे गैर मोतबर और बेकार की चीज तो मैं ही हूं शायद। जगह जगह की बात होती है दाऊद, इस वक्त जिंदगी में जिससे का आप खड़े वहां सब कुछ बहुत ऊंचा और बुलंद होता है, और जिस जगह मैं रही हूं शुरू से वहां सब कुछ कमजोर और बेमायने होता है। मुझे प्लीज इस घर में कहीं भी अपने बच्चे के साथ पड़ा रहने दे। मैं नहीं फायदा उठाऊंगी आपके नाम का, यहां तक कि आपको नजर भी नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दे। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हारा कोई हक अदा नहीं कर सकता और ना ही तुमसे कोई वास्ता रखना चाहता हूं। अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम चिपका के इस घर के किसी कोने में बेवाओं की तरह कब तक जिंदगी गुजारोगी? जवान हो, खूबसूरत हो, अपने लिए तुम खुशियों का दरवाजा क्यों बंद कर रही हो सकता है तुम्हें जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कम से कम उसके साथ एक मुकम्मल जिंदगी तो गुजार सकोगी ना। खुशियां, अच्छा साथी, दूसरी बार ढूंढू। माना कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं हूं, और जो राह सहा रिश्ता है वो भी आप खत्म करने वाले, लेकिन कम से कम आपसे इतनी गैरत की हकदार हूं कि अपने मुंह से किसी और के साथ मेरा नाम ना जोड़े। ना मत तू भी सही, आप ही के बेटे की मां हूं, और मैं कभी भी अपने बेटे को यह शर्मिंदगी भी नहीं देना चाहूंगी कि उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। आप प्लीज मुझे ये बेवाओं वाली जिंदगी ही दे दे, एक ही तो रिश्ता बचा है मेरे पास, मैं इस तिनके का सहारा नहीं छोड़ना चाहती, नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर, मैं इसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे तलाक मत दे, मुझे रहने दे अपने बेटे के साथ। या फिर अगर आप यही करना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि मुझे आप जहर दे दें, सुकून से मर तो जाऊंगी। मुझे इस घर से बंद कर, मैं कहां जाऊंगी अपने बेटे के बगैर? फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते। देखो मोमना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं नायाब से कोई वास्ता नहीं रखूँगा, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। तुम्हें तुम्हें अम्मी के एटीट्यूड से प्रॉब्लम है ना, हम लोग उनसे भी अलग रहेंगे। तुम कहती हो तो मैं अलग घर देख लेता हूँ यार,
तुम फहद से तब तक तलाक मत लो जब तक हम लोग नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते। इज दैट ओके? तो तुम उसे तलाक नहीं दे रहे? तुम्हें पूरा वाक्या बताया तो है। ये कहो ना कि हमदर्दी हो गई तुम उससे। यार ऐसी बात नहीं है, वो गिड़गिड़ा रही है मेरे सामने। तुम खुद बताओ क्या करूं मैं? जब अम्मी उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है तो फिर इट्स ओके। मैं अपने बच्चे से उसकी माँ को अलग क्यों करूं यार? कल की आई हुई गैर लड़की से तुम्हें हमदर्दी हो गई? तुमने कभी ये सोचा कि ये सब बातें मैं फहद को कैसे बताऊंगी? खाला जान पे क्या गुजरेगी, फहद पे क्या गुजरेगी, मेरी माँ उन पे क्या गुजरेगी? अपने ऊपर तुम कोई बात मत लेना, हमेशा हर गिल्ट में मुझे ही धसाते रहना तुम। ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर तुम मुझे बताओ क्या करूं? चुपचाप अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो और मुझे भी फहद के साथ जिंदगी गुजारने दो। आर यू मैड? तुम पागल हो क्या? अब ऐसा नहीं होगा मोमिना। देखो थोड़ी सी मुश्किलात हैं, वक्त गुजरेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नए रास्ते खुल रहे हैं ना यार, अम्मी का मानना भी तो बहुत बड़ी बात है। नहीं और यार वैसे ही हमने हिम्मत करने में बहुत देर कर दिया। दाऊ तुम मर्द होके सब कुछ फेस नहीं कर पा रहे हो। कभी सोचा कि मैं औरत होके इन सब सैलाब से कैसे गुजरूंगी? कैन अंडरस्टैंड यार, बस हम ये शादियों के चुंगल से निकल जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। बंद करो यार, इसको हटाओ यहां से। क्या जवाब दूं आप? दाऊद सबके गिड़गिड़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने वाला एक मर्द है और मेरे सामने जो गिड़गिड़ा रही है वो लड़की है, मजबूर लड़की जो 100% मुझ पर डिपेंडेंट है। यार Thank you.
कैसा लगा? ठीक है। सिर्फ ठीक कहती तो कुछ और देख लेते। ठीक है। श्योर मैं से बात करूंगा। तो इसको यार प्लीज बंद करो। हम लोगों को कुछ देर के लिए बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेहस। अब बाकी का घर देखते हैं। दाऊद प्लीज। क्या हुआ मोहन? हम लोग इतने भी अजनबी नहीं हैं यार। इंसान जब कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा होता है, छोटे गुनाहों से बचकर अपने ज़मीर को मुतमईन करता है। अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। किसी को दुख देना तो गुनाह है, किसी का दिल तोड़ना तो गुनाह है। मोमिना खुद को दुख देना सबसे बड़ा गुनाह है। तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती। मोमिना प्लीज, तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। हम दोनों को हमसे ज्यादा और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमने सही है। कोई एतराज तो नहीं है ना? आपने उसे बता दिया ना कि मैंने कह दिया कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगी और अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाऊंगी। उनेद, बाबा का बेबी अभी तक जाग रहा है। आजा बाबा के पास, आजा आजा आजा। बाबा का वेट कर रहा था क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलो चलते हैं। इसे मुझे दे दे, खाना खिलाना और सुलाना भी है। ओ, तो मेरे बेबी ने खाना नहीं खाया अभी तक। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने हाथों से अपने बेबी को सीरियल बना के खिलाऊंगा और उसके बाद मजे से बेबी बाबा को हग करेगा और सो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मेरी आदत है, वो मेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रहता। उसे प्लीज मुझे दे दे। मैं सिर्फ इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या हो गया? नहीं, लेकिन क्यों बच्चे को बाप से दूर कर रही हो? तुम्हें पता है दूसरी शादी करने वाला मर्द अपने बीवी को, बच्चे को, घर बार को, सबको भूल जाता है। जी, ये तो इसकी ग्रेटनेस है। सारे रिश्ते निभा रहा है जबकि इन रिश्तों ने इसे कुछ नहीं दिया। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, दूसरी शादी के बाद जब ये घर आया करेगा तब भी यूं ही करोगी? सुनो, ये ले जाओ, इसको खाना खिलाओ और सुला भी दो। अम्मी, इसका कसूर नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि मैंने दूसरा घर ले लिया। दाऊद, इस तरह नरम पड़ोगे तो ये पहाड़ नहीं काट सकोगे। मैं जानबूझकर इसके साथ सख्त जबान इस्तेमाल कर रही थी ताकि इसकी चूं चरां करने की हिम्मत ही ना हो। याद रखना दाऊद, मुमना के साथ घर बसाना चाहते हो तो इसे पूरी तरह मेरे हवाले करके दस्तबरदार हो जाओ, वरना मोमना तुम्हारा इसके साथ हमदर्दी भरा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कुक से बात कर ली है मैंने, वो और सफाई वाला तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं मैनेज कर लूंगा,
आप लोगों का यहाँ खाना कौन बनाएगा? हमारी फिक्र मत करो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कुर्बानी तुम ही दो। यूं भी अपना इतना अरमानों से बनाया हुआ घर छोड़कर जा रहे हो तुम। मेरी गलतियों की बहुत सजा भुगत ली तुमने। अब बस भूल जाओ सब कुछ, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम जाओ, जाके आराम से अपनी जिंदगी जियो। थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरा इतना साथ देंगे। मैं देखूं तुम्हारा सामान रखवा दूं। हुनैद का ख्याल रखना, क्योंकि तुम अम्मी के साथ रहोगी तो कोशिश करना इनको भी तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। किसी चीज की जरूरत हो तो अम्मी को बता दिया करना। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने पैसे आ जाए करेंगे। मुझसे कोई काम हो, कोई बात करनी हो तो अम्मी के थ्रू मैसेज भिजवा देना। प्लीज डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ओके। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। मोमिना, मैंने सोच लिया है कि बाकी का घर तुम खुद डेकोरेट करोगी। तुम्हें याद है हम लोग कितना लड़ते थे हाँ कि घर कौन डेकोरेट करेगा? तुम कहती थी जो बेडरूम होगा वो तुम डेकोरेट करोगी, मैं कहता था मैं करूंगा। बट नाउ यू कैन डू इट। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया मास्टर बेड को। क्या हो गया तुम्हें मोमना? कुछ नहीं करेगा वो, तुम बस प्लीज उसको साफ साफ कह दो, बोल दो उसको। बड़ा तूफान उठेगा। कुछ नहीं होगा मोमना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुस्से में या प्यार में देगा तो तलाक ही ना, यही तो हमें चाहिए। कमॉन यार, प्लीज फॉरगेट इट, मुस्कुरा दो प्लीज। दाऊद, मैं अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद करके तुम्हारे पास आ रही हूं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा दर बंद मिले मुझे। नहीं होगा मोमना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुस्से में या प्यार में देगा तो तलाक ही ना, यही तो हमें चाहिए। क्या हो गया तुम्हें मोमना? कुछ नहीं करेगा वो, तुम बस प्लीज उसको साफ साफ कह दो, बोल दो उसको।
अपनी बीवी की आवाज तो सुनी मैंने, दिल के हाथों मजबूर होके कॉल कर ही ली थी, तो बंद करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम्हें मनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा मुझे। इतनी लंबी नाराजगी तुमसे मेरी कभी नहीं हुई मेरी जान। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? बहुत दिन हो गए यार तुमसे बात किए हुए, तुम्हारा चेहरा देखे हुए, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें मैं। लेट्स डू अ थिंग, स्काइप पे आ जाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो है। आई वांट टू सी यू। क्यों? आजकल कोई और काम नहीं है जो मैं याद आ रही हूँ? एक बात याद रखना, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों के फारिग औकात का वेट करती हैं। मोमना बस करो यार, दे दो दी तुमने सजा। सजा तो तुमने बना दी मेरी जिंदगी, अब मैं मजीद ये सजा नहीं काट सकती। मुझे मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मोमना गुस्से में भी ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते। मैं गुस्से में नहीं हूँ, अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती इसलिए मुझे तलाक दे दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या तरीका है? अरे क्यों तुम अच्छे भले अपने घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो? फहद वहां बेचारा बैठा अपनी गलतियां गिन रहा है, सारी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा है, सारी रात मुझे कॉल्स करता रहा है। हो क्या गया तुम्हें? जवाब दो ना। अम्मी मैं बस उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा अब याद आ रहा है तुम्हें, शादी के 1.5 साल बाद। जो भी हो मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे बस तलाक चाहती हूँ। क्यों खुद को उजाड़ रही हो? इतना चाहता है फहद तुम्हें। अरे जरा सोचो तो सही, तुम्हारी खाला ने और फहद ने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया जब दाऊद तुम्हें छोड़ चुका था। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, मजबूरी थी वो दाऊद की। जो भी था उसने तुम्हें छोड़ा, अब वो खुश है अपनी बीवी और बेटे के साथ, उसकी बहन तुम्हारे भाई के साथ खुश है। तुम तलाक लेके कहां जाओगी, क्या करोगी? वो छोड़ रहा है अपनी बीवी को, बल्कि वो अलग घर में शिफ्ट भी हो चुका है। वो घर जहां जहां हम दोनों शादी करके बाद में रहेंगे। क्यों बकवास कर रही हो तुम? फहद से तलाक लेके तुम दाऊद से शादी करोगी? जी जी मैं उससे शादी करूंगी, और क्यों ना करूं अम्मी? जब अब्दुल्ला अपनी शादी तोड़ के दीपा से शादी कर सकता है तो हम दोनों अपनी अपनी शादी तोड़ के एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते? मुन्ना अब्दुल्ला की शादी खुद ब खुद टूट गई थी, दीपा अकेली थी उस वक्त, पर तुम जुल्म कर रही हो मेरी बहन के साथ, दाऊद की बीवी के साथ, उसके बेटे के साथ। दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं और दाऊद अपनी अपनी माओं की खातिर जो कर सकते थे कर चुके, अब मामी को भी एहसास हो गया वो हमारे साथ हैं। अरे उसकी तो फितरत है ससुराल को डसना, और उसका क्या जाता है, वो तो बेटे की माँ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपना सर किसी के आगे उठा ही नहीं सकूंगी कभी, ना बहन के आगे और ना ही खानदान में। बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मोमना, इस उम्र में मुझे ये रुसवाई मत दो। अरे यतीम बच्ची है दाऊद की बीवी, मत करो उसके साथ ये, मत लो उसकी बद्दुआएं। तो सर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहोगे, थूकेंगे लोग मेरे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी।
मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने जवानी में अपनी बहुत जान मार ली है, अब तुम्हारी बारी है। जब तक कुक था मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब वो चला गया है तो अब तुम ही पकाओगी ना। तुमने क्या कुछ नहीं बनाया? मैंने सोचा था तुम पकाओगी तो मैं भी खा लूंगी। जी वो मुझे लगा मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे से अलग रह रही हूँ ताकि तुम अपने बेटे के साथ रह सको। तुम कम से कम उसकी माँ का तो ख्याल कर लो। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी फूफू हूँ जिसे रुस्वा करने का तुम पूरा बंदोबस्त कर चुके हो, और एक फूफू और भी है तुम्हारी जिसके बेटे का घर तुम बर्बाद कर रहे हो। जिस बात पे वो फोकस कर रहा था वो ये थी कि तुम परेशान मत हो, वैसे तो तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। और फर्ज करो अगर है भी तो हम बाहर चले जाएंगे। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही हो मोमना? तुम अगर अब भी उसके साथ जुड़ी रहोगी तो उसकी मौत और अपनी जिंदगी दोनों खराब करोगी।